kwanza wa bin Hisar Kashmir hamara hai. Aur agar koi kehta hai usko desh se alag karenge to desh ki janta isko sahan nahi karegi. Congress party aur National Conference dhara 370 hatana nahi chahte. Mujhe batao bhaiyo, ये धारा 370 हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोले, हटानी चाहिए नहीं हटानी चाहिए? हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है धारा 370 को हम हटा दें. मित्रों, दूसरा मुद्दा है घुसपैठियों का. रायगढ़ वालों बताओ, देश में से घुसपैठियों को निकाल बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी कह रही है एनआरसी मत लाइए. मैं आपको कहने आया हूं कि एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दो, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है. संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक संविधान पर जाएगा. संविधान के समय समय पर संशोधित लागू होंगे. इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य अपवाद अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश उपनियम नियम विनियम अधिसूचना नीति विवाद अथवा भारत के भूभाग में कानून के परिवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो. माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की 22-27 सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबंधित करने का. यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे इसको व्यक्त करे. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए. If you like this video, ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.